हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ के लिए मेजरमेंट का लेक्चर 4। इसमें लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था एरर्स को, क्या होती हैं एरर्स, और एरर्स के साथ ही अब जो है नेक्स्ट इसका टॉपिक आपका है जिसमें आप स्टडी यहां पे कर रहे हैं डायमेंशन विमान। आपने मैंने कुछ आपको जो है फोटो पिक्चर्स आपको इमेज भेजी थी जिसमें आपने मूल राशि वगैरह अध्ययन किया। अब आज साथ साथ में आप व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे और बीमा पढ़ेंगे। तो बीमा देखिए, बीमा होती क्या है, आज का टॉपिक है यहाँ पर बीमा। बीमा को कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन से मतलब यहाँ डायरेक्शन से है, मतलब कोई क्वांटिटी कितनी डायरेक्शन में शो की जा सकती है उसे आप डायमेंशन कह सकते हैं बीमा। अब जो है बीमा क्या होती है, मूल राशि पर चढ़ी हुई घात, मूल राशि पर चढ़ी हुई घात, ये आपकी बमा कहलाएगी। मूल राशि पर जो भी घात चढ़ाई जाती है वो होती है आपकी बमा। जैसे जो है अब कुछ आपको व्युत्पन्न राशि बताएं, यहाँ पे व्युत्पन्न राशि उनके मात्रक और बीमार निकालना आपको सिखाएंगे। इसमें आपको इन्हें गौर से लर्न करना है, क्योंकि यदि बीमा आपको लर्न होंगी तभी आपको जो है जी बीमा लेसन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। यदि बीमा आपको याद नहीं हो तो आप समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम जनरली कुछ आपको मिनिमम 15 बीमाएँ बताएंगे, जो 15 बीमाएँ आपको ठीक से याद करनी है, क्योंकि यदि आपको 15 बीमा अच्छे से याद हो जाती हैं तो आपको जो बीमा लेसन बिल्कुल करेक्ट समझ में आएगा। देखिए आप, जैसे फर्स्ट आपका है जैसे लंबाई आपने पीछे पढ़ी। अब यहाँ व्युत्पन्न राशि में आपको बताएं आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मात्रक हो जाएगा लंबाई का मात्र मीटर, चौड़ाई का मात्र मीटर, तो ये रहा यहाँ मीटर स्क्वायर। विमान को लंबाई के लिए सिंबल यूज करते हैं एल और चौड़ाई के लिए भी एल, तो बीमा हो गई यहाँ पे एल टू। तो जो मूल राशि संकेत यहाँ पे एल है, तो एल एल तो यहाँ घात कितनी, दो हो गई, तो जी आपकी बीमा क्या हो, दो एल टू। तो इस प्रकार से क्षेत्र हुआ। इसी प्रकार से आपका आयतन, आयतन लंबाई गुण चौड़ाई गुण ऊंचाई, कोई भी आयतन, गोले का आयतन ले, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, उसमें भी आर क्यूब है, तो आर इंटू आर इंटू आर, तो भी आप इसी प्रकार से यूनिट देखें, पहले मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये रहा मीटर का क्यूब, और यहाँ पे एल आपका पहले रहा, फिर एल रहा, उसके बाद फिर एल रहा, ये रहा एल थ्री, आपका थर्ड है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इस प्रकार से। अब द्रव्यमान आपने देखा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम मात्रक, आयतन ये मीटर क्यूब, तो आप इसे यूज कर सकते किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ले सकते हैं। विमा देखो द्रव्यमान विमा होती है एम, और यहाँ पे आयतन की अभी आपने कहा एल थ्री, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, आयतन विमा एल थ्री कभी भी याद आए तो घनत्व के लिए एल ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस थ्री। कई जगह ये विमा यूज होंगी, आपको डायरेक्ट याद करना है एम एल माइनस थ्री घनत्व के लिए। अब इसी प्रकार से आपके से वेग है, वेग या चाल, तो वेग के लिए होता विस्थापन बटे समय, ये चाल बार दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और जी पर सेकेंड, और यहाँ पे आप देखो दूरी के लिए एल विस्थापन और समय टी, दूरी के लिए एल बीमा और समय के लिए टी, तो ये बन जाएगा आपका एल टी माइनस का वन, इस प्रकार से। अब इसे पांचवा आपका त्वरण या कहें मंदन, त्वरण के लिए वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती, तो जरा वेग बटे समय, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, सॉरी यहाँ पे आपको मात्र लिखना है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, जरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा देखें ऊपर वेग की मां है, यहाँ पे एल टी माइनस वन
टाइम रहा टी एल टी माइनस टू। इस प्रकार से आपने देखा ये आपकी बीमा निकल आती है। और इसी प्रकार से ये फाइव बीमा के बाद और भी कुछ बीमा देखते हैं यहाँ पे आप। जैसे सिक्स आपकी है कारण, त्वरण के बाद पहले बल देखें, बल का फॉर्म एफ इक्वल टू एम इनटू ए, एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है, इसमें द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, त्वरण के लिए मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो या ऐसे कह सकते हैं न्यूटन। और द्रव्यमान देखिए एम द्रव्यमान के लिए, त्वरण के लिए एल टी माइनस टू, ये रहा आपका एम एल टी माइनस टू। जब भी बल की बात आए तो सीधे आप ध्यान रखें एम एल टी माइनस टू, डायरेक्ट आपको याद रखना द्रव्यमान। आप जैसे कार है आपका बल गुरुत्व विस्थापन, अब कार के लिए बल के लिए आप न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर को यहाँ कह सकते हैं जूल, जूल कार की बीमा है, आप कार का मात्रक है। यहाँ बल के लिए बीमा देखो डायरेक्ट आप एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आप दूरी के लिए एल, ये बना आपका एम एल टू टी माइनस टू। अब इसी प्रकार से जैसे आपको बल का आवेग दिखाना है, आवेग आवेग इंपल्स होता है एफ इंटू टी, एफ आपका है न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक, और उसके अलावा बीमा बल की बीमा एम एल टी माइनस टू, बीमा टी जीरा आपका एम एल टी माइनस वन, यही आपका रहता है संवेग के लिए। यदि आप द्रव्यमान और वेग यूज करेंगे तो सेम आपकी डायमेंशन निकलेगी। शक्ति या सामर्थ पी को डब्ल्यू पॉइंट, आप जानते हैं कार्य करने की दर शक्ति तथा सामर्थ कहलाती है, तो यहाँ पे जूल प्रति सेकंड या कहो वाट, तो इसका मतलब वाट भी होता है, वाट आप ले सकते हैं जूल को एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ पर टाइम को टी, तो ये बना आपका एम एल टू टी माइनस वन। जैसे आपकी आवृत्ति लेके चलें फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति एन एक बटे आवर्तकाल साउंड में, तो आवर्तकाल यहाँ पे सेकंड रहा मात्र, तो जरा सेकंड इनवर्स या का हर्ट्ज, हर्ट्ज मात्र होता है आवृत्ति का, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर टी नीचे आएगा डायमेंशन में, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी माइनस का वन। ऐसे आप जो कोई भी फॉर्मूले हो उनके लिए आपको बीमा निकालने के लिए, मात्र निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है। और जी लेसन एक प्रकार से ये कहें कि हल्का अधूरा ही रहता है लास्ट टाइम, क्योंकि फिजिक्स में आप देखेंगे लास्ट तक जाने कितने फॉर्मूले हैं, सभी से आपकी बीमा मात्रा निकल सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन बताऊँ उसे अच्छे से याद कर लें, इसके अलावा जो उसका जो कुछ इमेज हैं